नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म के वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की धार्मिक वीडियो में बात करेंगे लड्डू गोपाल को जो भोग लगाते हैं उसमें क्या बिस्किट और नमकीन का भोग लड्डू गोपाल को लगाया जा सकता है या नहीं। इस बात को हम लोग आपको कंफर्म करेंगे कि हाँ लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। तो जिनके मन में भी ये सवाल है, ये वीडियो उनके लिए ही है। दोस्तों, लड्डू गोपाल तो लगभग सभी अपने घरों में रखते हैं। आज भी उत्तर और मध्य भारत के कुछ राज्यों में बेटी का कन्यादान लड्डू गोपाल के साथ होता है। विवाह के बाद से ही बेटी लड्डू गोपाल का सेवा प्रारंभ करती है। वैसे सभी क्षेत्र और जगहों में लड्डू गोपाल की सेवा का नियम बहुत अलग अलग है। बहुत से घरों में आज भी सुबह स्नान और पूजा के बाद मेवा मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और शाम में दीप जलाकर भोग लगाया जाता है। वहीं बहुत से जगहों में, खासकर ब्रजधाम के क्षेत्रों में, लड्डू गोपाल की पूजा के साथ साथ उनकी सेवा बिल्कुल एक छोटे बालक की तरह की जाती है। सुबह शाम के पूजन और शयन आरती के अलावा उन्हें भोग में उस चीज को खिलाया जाता है जो वो अपने लिए बनाते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या लड्डू गोपाल को नमकीन और बिस्किट दिया जा सकता है भोग में या नहीं। लोगों के सवाल को कि अपने लड्डू गोपाल को एक बालक और भगवान की तरह अगर हम मान रहे हैं तो उनकी सेवा अपने बालक की तरह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान हमें इस बात का रखना है कि वो भगवान है और उनकी सेवा भाव में कोई गलती नहीं हो। यदि हम उन्हें भोग के रूप में नमकीन या बिस्किट चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन उस बात का ख्याल रखें कि वो बिस्किट और नमकीन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। आपको बताते चलें कि लड्डू गोपाल को नमकीन और बिस्किट का भोग लगा सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। बिस्किट का भोग लगाते वक्त पैकेट को पढ़ लें अच्छे से कि कहीं बिस्किट में अंडा या दूसरी तामसिक चीज़ों का उपयोग तो नहीं हुआ है। पैकेट आइटम का भोग लगा रहे हैं तो हरे रंग के निशान का भी आपको विशेष ध्यान देना है। हरे रंग का निशान शाकाहारी भोजन का ही चिन्ह होता है, तो इसलिए आप उस बात का भी ध्यान रखें। नमकीन आइटम का अगर आप भोग लगा रहे हैं तो उसमें लहसुन और प्याज का उपयोग ना हुआ हो। सेव और आलू भुजिया में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि तामसिक चीज़ें उसमें ना पड़ी हों। यदि आपके पास समय है तो आप लड्डू गोपाल के लिए घर पर ही नमकीन या बिस्किट का भोग तैयार कर सकते हैं। बाजार से खरीदने की तुलना में ये ज़्यादा पवित्र होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये खास जानकारी पसंद आई हो, जो कि लड्डू गोपाल पर थी, उनके भोग में नमकीन बिस्किट को लेकर थी, अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा।